गुड मॉर्निंग। प्रश्न नंबर 5 कारक पाठ 7 से हिंदी ग्रामर से। उसमें मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कुछ, अब अगले में इसमें आपको अब सभी जो कारक के 8 भेद यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 भेद जो है 8 भेदों की परिभाषा के साथ एग्जाम्पल यानी कि उसके प्रसंग भी कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए या के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन का अपना उसका चिन्ह तो नहीं होता लेकिन हम कहते हैं उसे हे अरे से संबोधित करते हैं, हम हे अरे से संबोधित करते हैं। तो उसमें उसकी परिभाषा जो है वह आपको याद होनी चाहिए, परिभाषाएं साथ में उसका एग्जाम्पल। तो जैसे कोई भी पूछ दे आपसे कारक के बारे में तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कारक के 8 भेदों का नाम और उसके प्रसर्ग और उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो उसके अनुसार हम जब चलते हैं तो जैसे मैं एग्जाम्पल मैं बताऊं एक कि उसमें क्या हो सकता है, जैसे उस कारक चिन्हों को किस प्रकार हम समझ के भरे कारक को, जिस प्रकार जैसे मैंने आम डैश पेड़ डैश तोता बैठा है, आम डैश डैश की जगह वह कारक कौन सा सही कारक होगा जिसे भरना है, पेड़ डैश तोता बैठा है, तो हम कह सकते हैं आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, यहां के आम के तो आम यहां उस दोनों के संबंध हो गया तो कौन बैठा है, तो आम के पेड़ पर यानी आम के पेड़ के साथ में संबंध बता रहा है क्या, पेड़ के साथ कौन बैठा है, तोता कहां बैठा है, तो पेड़ पर बैठा है, पर मतलब ऊपर तोता बैठा है। दूसरा है सेब डैश फल खाने से रोग दूर होता है, तो सेब डैश फल खाने से, सेब का फल खाने से, सेब का फल खाने से, सेब का सेब फल खाने से, यहां पर मैं संबंध को क्या बताता है कौन सी कारक, जैसे मोहन डैश किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, तो मोहन ने किसने पढ़ा, तो कर्ता कौन है, तो मोहन है, तो सेब का फल खाने से का संबंध को बताता है सेब के साथ, सेब यदि हम सेवन करेंगे प्रतिदिन तो रोग से हम बचे हुए रहेंगे, रोग से हम दूर रहेंगे। दूसरा है मोहन डैश किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, तो मोहन यहां कर्ता हो गया, तो मोहन ने मोहन से संबंधित है, यहां मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने कर्म किया किस पर, किताब पर। दूसरा है वह रेलगाड़ी डैश दिल्ली जाता है, वह रेलगाड़ी डैश से दिल्ली जाता है, वह रेलगाड़ी डैश दिल्ली जाता है, तो यहां पर मैं कौन सा, तो वह रेलगाड़ी से यहां माध्यम तृतीया विभक्ति के लिए करण कारक के लिए, कर्ता कर्म करण से यहां द्वारा है, जैसे चौक से लिखता हूं, रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहा है वह, या रेलगाड़ी उसका माध्यम बन गया, उसका द्वारा बन गया है। इसके बाद में है कारक के वाक्य में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यदि मैं कारक के भेद का नाम बताया जाए और उसमें हमें प्रयोग करना हो, तो जैसे अधिकरण कारक का मैंने नाम लिया, अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का परसर क्या होता है, में या पर, जिसको चिन्ह कहते हैं, तो में या पर यदि हमें समझ में आ गया, हमें परसर्ग याद है,
तो हम वाक्य आसानी से बना सकते हैं कोई भी दोनों में से एक में, तालाब में मछलियां तैरती हैं, या किताब टेबल पर रखी है, में या पर में से अधिकरण कारक। अपादान कारक, अपादान कारक से यहां मतलब है पंचमी विभक्ति से, यानी से अलग होने का भाव, से अलग होना। तो से अलग होना जब बताता है तो माता जी घर से बाजार गई, यानी घर से वो अलग हो गई, अभी कहां जाने के लिए तो बाजार गई है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा कारक जो है उसका परसर्ग के माध्यम से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, के लिए चतुर्थी विभक्ति, के लिए या को के लिए, दोनों में से कोई बना सकते हैं। पिताजी बच्चों के लिए पटाखा लाए, पिताजी बच्चों के लिए पटाखा लाए, और या फिर हम कह सकते हैं रामू ने धोबी को कपड़े दिए, को कपड़े दिए के लिए, दोनों ही विषय हम वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद में है संबोधन, यानी आठवां संबोधन कारक। तो मैंने बताया है कि संबोधन में हे अरे का प्रयोग होता है, हे अरे बच्चों, जहां विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग किया इसको बोलते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे संबोधन, हे भगवान अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा, हे भगवान अब क्या करूं, हे भगवान ये कैसे हो गया। तो बहुत इस तरह का शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद में करण कारक है, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर मैं से यानी द्वारा, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, यानी वहां पर पेन कलम जो है आपका माध्यम बन गया, जरिया बन गया। इसके बाद में यदि मान लीजिए कि आपका चिन्ह दिया हुआ रहता है, परसर्ग दिया हुआ रहता है, तो हमें क्या कारक लिखना होता है। जैसे मैं बोलूंगा ने, ने बोला यदि तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। पर यदि बोला तो अधिकरण कारक हो जाएगा, को बोला तो संप्रदान कारक हो जाएगा, की बोला तो संबंध कारक हो जाएगा, और हे बोला तो, यदि मैंने हे बोला तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, को यहां दिया है तो संप्रदान भी हो सकता है या फिर दूसरा भी हो सकता है, को में दो, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में भी संप्रदान भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है, दोनों। अब जैसे कारक चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विभक्ति परसर्ग या दोनों, तो दोनों कहलाते हैं, कारक के चिन्ह दोनों कहलाते हैं, परसर्ग भी कहलाते हैं, विभक्ति भी कहलाते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है, पेड़ से फल गिर रहे हैं। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, पेड़ से फल गिर रहे हैं, किस कारक का प्रयोग किया गया है, से मतलब पेड़ से फल, यानी अलग होने का भाव, अपादान कारक अलग होने का भाव। और तालाब में मछलियां तैर रही है, तालाब में मछलियां तैर रही है, यहां पर मैं वाक्य में कारक का चिन्ह क्या है, में यहां कारक का चिन्ह है, यहां पर मैं तालाब तैरना या में, कारक चिन्ह कौन सा है, में है। इस तरह से कारक को हम याद करेंगे। और इसके बाद में है विशेष में, कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर वाक्यों का रूप बदल जाता है, वाक्यों का रूप बदल जाता है। जैसे ने चिन्ह का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है, एग्जाम्पल बोलूं, मोहन ने खाना खाया, लेकिन उसी को यदि हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, मोहन खाना खाता है, ने का प्रयोग तो हुआ ही नहीं,
लेकिन ने का प्रयोग जब कर देंगे तो वह भूतकाल बन जाएगा, मोहन ने खाना खाया। कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का भी रूप बदल जाता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। यह लड़का खाना खाता है, देखो यहां पे यह लड़का खाना खाता है और इन लड़कों ने खाना खाया, दोनों का रूप बदल गया। यदि संबोधन संबोधन अंतिम संबोधन में हो तो अनुस्वार हो, संबोधन में हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन में जैसे हमें बोलना है बच्चों, तो बच्चों नहीं, बच्चों होगा, बिंदु नहीं होगा। बालकों, तो ये नहीं होगा, बालको होगा, बिंदु नहीं होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जब ये हम बालकों लिखेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे तो वहां बिंदु नहीं होगा। हाँ, भाइयों नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन जब ये हम संबोधन के रूप में करेंगे तो वहां भाइयों हो जाएगा, बिंदु नहीं होगा। इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना है, लर्न करना है। धन्यवाद।